हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल. मैं हूँ शानू, आप देख रहे हो शानू ट्रेंड्स. ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी बट डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है. क्या है ना, कुछ टाइम पहले मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज. तो मैंने थोड़े सजेशंस मांगे अपने फ्रेंड से. सो आई केम अक्रॉस वन हेयर ऑयल जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बेसिकली. सो इट्स शून्याकर का भूमिजा हेयर ऑयल एंड ये मैंने लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ बैक परचेस किया था ऑन द सजेशन ऑफ माई फ्रेंड. एंड शी वॉज सेइंग कि उसने यूज करा हुआ काफी टाइम से. सो उसके हेयर फॉल में रिडक्शन हुई है और साथ में वेदर चेंज होने की वजह से मेरे ये वाले एरिया में ना सिर के इतना एक्सट्रीम डैंड्रफ हो गया था. लाइक आई वॉज ट्राइंग ऑल द थिंग्स दैट वॉज पॉसिबल अराउंड मी. सो आई केम अक्रॉस दिस. फर्स्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज फॉर्मुलेटेड विद 30 आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे आमला, ब्राह्मी, ब्रिंगराज, अश्वगंधा. एंड इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, एडिड कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बना हुआ है. सारे जो ऑयल्स इसमें डाले हुए हैं ऑल आर कोल्ड प्रेस्ड. तो जिन्हें नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वो होते हैं जिसमें हीटिंग प्रोसेस ना यूज नहीं होता होता है. तो हीटिंग प्रोसेस जब यूज होता है ना उसके गुण ना बहुत ही हद तक रिड्यूस हो जाते हैं. कोल्ड प्रेस में थोड़ा सा लेबर और हार्ड वर्क लगता है जिसकी वजह से वो महंगा होता है. सो मैंने ये ट्राई करा है एंड मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 हफ्ते तक इसे यूज करा है. उसके बाद में मैंने सोचा कि आपको एक रिव्यू देना तो डेफिनेटली ही बनता ही है. एंड या आप देख लो एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है, क्या मुझे बेनिफिट्स मिले. फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल हर्बल है और नेचुरल. दिस हाउ वी गेट द भूमिजा हेयर ऑयल. ये बना हुआ है विद अ ब्लेंड ऑफ 30 आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड कोल्ड प्रेस ऑयल. कोल्ड प्रेस ऑयल में हीट प्रोसेस यूज नहीं होता जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी और इनकी गुडनेस रिटेन रहती है. ये बना हुआ नेचुरल हर्ब्स के साथ, कोई एडिड कलर प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है और इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं. स्क्रीन पर इस समय सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो. डायरेक्टली ऐसे नॉर्मली आप अप्लाई करते हो वैसे ही आपको अप्लाई करना है. हेयर ग्रोथ में प्रमोशन करता है, डैंड्रफ को रिडक्शन करता है, स्कैल्प को नरिश रखता है, तो को शाइनी और फ्रेश भी बनाता है. अच्छे से आपको पूरे बालों पर लगाना है और ओवरनाइट आपको लगा के रखना है. दूसरे दिन आपको अपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है. यू कैन सी द डिफरेंस एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले विद द यूसेज ऑफ 3 टाइम्स. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है. काफी अच्छा हेयर ऑयल है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इंपॉर्टेंटली. सो दैट्स व्हाई आई कैन अश्योर यू. सो एज यू हैव सीन द रिव्यू, तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना इसने पे बैक करा है. तो मुझे काफी अच्छा लगा. बहुत सारे यार और अवेलेबल है मार्केट में बट ये मेरे स्कैल्प के लिए काफी अच्छा प्रूव हुआ मुझे. था कि हेयर ना रूट से नहीं बट ऐसे ही टूट रहे थे बट उसमें थोड़े रिडक्शन मुझे यू नो देखने को मिली है. 2 वीक में आई कैंट से कि टोटली बिल्कुल हेयर फॉल कम हो गए. मैं आपके लिए एक सेकेंड पार्ट भी बना दूंगी या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और इंस्टाग्राम मैं आपको अपडेट देती रहूंगी. फिलहाल मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला आफ्टर 2 वीक ऑफ यूसेज. तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है तो आप उसके थ्रू परचेस कर सकते हैं इनकेस अगर आपको परचेस करना हो. सो हियर इज माय रिव्यू. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कौन सा परचेस करना है. इफ इनकेस अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है इस हेयर ऑयल के रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो. दैट्स इट, हियर एंड्स माय वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे स्माइलिंग. बाय बाय. लव यू ऑल.